स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम बहुत हो। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का वो इस साल चेंज हुआ है और आपके लिए जो बुक लगी है वो है फ्लैमिंगो बुक। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की एक बुक है फ्लैमिंगो, जिसका हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक से द लास्ट लेसन का चैप्टर जो है हम उनको समझने जा रहे हैं। अब आप इसको देखेंगे कि इसके जो ऑथर है वो है एल्फोंसो डोडेट, जिन्होंने ये स्टोरी, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिन्होंने ये स्टोरी 1870 और 1871 के बीच में लिखी है। ये वो समय है जब वार हुआ था और युद्ध का एक कॉमन व्यक्ति पे, एक साधारण लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है और अपनी जो अपनी लैंग्वेज होती है उससे हमको किस तरह से अटैचमेंट होता है, हम इस चैप्टर में ये चीज़ स्टडी करेंगे। तो मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। थैंक यू। द लास्ट लेसन। एल्फोंसो डोडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज द सेट इन द डेज ऑफ फ्रांस पर्शियन वार 1870 एंड 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया बाय बिस्मार्क। यानी ये जो लास्ट लेसन चैप्टर, जो ऑथर इसके जो राइटर हैं एल्फोंसो डोडेट, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ये इन्होंने इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड लिया है वो बैकग्राउंड लिया है वार से लिया है जो कि फ्रांस और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें फ्रांस रशिया से हार गया था और बाद में जब वहाँ पर ऑर्डर आए थे कि अब जो है वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी और वहाँ पर अब जो प्रॉपर लैंग्वेज हो, जो पढ़ते थे अपनी लैंग्वेज, वो नहीं पढ़ाई जाएगी। पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया इन दिस स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट थी जो पर्शियन के हैंड्स में चली गई थी। रीड द स्टोरी, हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि अगर हमारी कंट्री या हमारा कुछ हिस्सा किसी और के पार्ट में चला जाए तो वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, मतलब जो साधारण लोग हैं, उन पर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है और अपनी लैंग्वेज हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है, वो इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आगे इन शॉर्ट समझेंगे और आप इस चैप्टर को खुद से भी रीड करेंगे। एन फ्रांस जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो कह रहा है स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इट अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमलेट आई हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। उसका कहना है कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट तैयार होना शुरू हो रहा हूँ और इसी के साथ मुझे मतलब बिल्कुल बुरा लग रहा है स्कूल जाना, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली तब अच्छा नहीं लग रहा है कि जब मिस्टर हैमल जो हैं उन्होंने उससे कहा है कि वो पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उससे पूछेंगे, वो उसको होमवर्क दिया गया और उसने बिल्कुल भी उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन अब स्कूल जाना तो ज़रूरी है, उसको पढ़ना है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिरपिंग एंड द एज ऑफ द वुड्स। उसका कहना है कि बाहर का जो माहौल है वो कितना अच्छा है, बर्ड चहचहा रही हैं और मतलब सारी चीज़ें, बर्ड्स उड़ रही हैं, सारी चीज़ें जो है बाहर देखने के लिए काफ़ी अच्छी हैं, तो हम क्यों स्कूल के अंदर जाएं और अपना टाइम एंड हरीड ऑफ द स्कूल। लेकिन फिर भी उसको जल्दी जल्दी स्कूल जाना ही है तो उसको जाना ही पड़ेगा। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, मतलब क्या कर सकते हैं वो, फिर भी इसको स्कूल जाना ही है। जब वो कह रहा है कि वेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वो एक हॉल के सामने से निकल रहा है तो वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी क्राउड जो है वो बुलेटिन बोर्ड पर के पास खड़ी हुई है, तो उसको लगता है कि यहीं से जो भी ऑफ ऑर्डर्स आते हैं इस बुलेटिन बोर्ड का हमारी लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहीं से जितनी भी बुरी अच्छी खबरें आती हैं सब यहीं से हमारे पास
पहुंचती हैं और वो उसको जाकर देखने लगता है, तभी उसको समझ में आता है कि नहीं उसे स्कूल जाना ही है, तो वो वापस से जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ने लगता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, वो कह रहा है कि मैं जितनी जल्दी चल सकता था मैंने चलने की कोशिश की। तभी उसने देखा, उसने सुना हु वाज देयर, वहाँ पर कोई जो था जिसने उसको कहा डोंट गो टू फास्ट, जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहुँच ही जाओगे, स्कूल इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल में तो अभी बहुत टाइम है। देन उसने सोचा आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, उसे लगा नहीं रियली में ये मेरे को ये नहीं कह रहे, ये क्या कह रहे हैं कि वो उसका फन मत यानी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल घर से ही लेट निकला है और अब जल्दी कर रहा है स्कूल जाने की। और जब वो स्कूल पहुंचता है वो देखता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब अक्सर जब स्कूल शुरू होता है देयर वाज अ वेरी ग्रेट बस्टल्स विथ क्राउड, वहाँ पर कुड बी हियर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन, लेकिन यहाँ पर अभी जो माहौल है यूजुअली जो माहौल होता है कैसा होता है, स्कूल में जब एंटर होता है तब हस्टल बस्टल रहती है, यानी काफ़ी इधर से उधर कुछ ना कुछ चलता रहता है और शोर शराबे में वो क्या करता है स्कूल के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन आज बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, सब कुछ स्थिर है, यानी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चेंज है, जैसे संडे मॉर्निंग में होता है ना सेम वैसा ही उसको फीलिंग हो रही है। वो बोलता है आगे आई सो माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमन वॉकिंग अप एंड डाउन विथ दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। मतलब उसने देखा सब कुछ शांति है, जब वो अंदर जाता है तो सारे बच्चे उसको वॉच जरूर करते हैं लेकिन किसी का कोई खास रिएक्शन नहीं है, और जो मिस्टर हैमन है वो अपने रूलर को दबाए हुए और काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप हुए वो अपने पढ़ाने की तैयारी में, बट उसे लगा शायद उसकी डांट पड़ेगी या उसको डर था कि मिस्टर हैमल उससे कुछ कहेंगे, बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल शो मी एंड सैड वेरी काइंडली, उन्होंने उसको देखा जरूर और बड़ी काइंडली कहा कि गो योर प्लेस, आप अपने प्लेस पे जाइए, एंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हाँ क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। आई जम्प्ट ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, उस वो बोलता है कि मैं वहाँ जाकर अपनी बेंच पर बैठ गया। आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, उन्होंने कहा जो मिस्टर हैमल हैं वो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप हैं, और ऐसा वो अक्सर तभी करते हैं जब कुछ स्कूल में या तो कोई फंक्शन होता है या फिर कुछ स्पेशल प्रोग्राम जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, तभी वो इसी तरह से ड्रेसअप होकर आते हैं। ये सब उसके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक है, और इसी के साथ वो नोटिस करता है मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विथ ही हैड यूज टू मी सैड माई चिल्ड्रन। मिस्टर हैमल जो हैं वो अपनी चेयर के पास जाते हैं और वहाँ जाकर के सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, जब कभी कभी यूजली वो बोला करते थे दिस इज़ द लास्ट लेसन I shall give you, ये आज आपका जो लेसन है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज वो लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्योंकि कुछ ऑर्डर्स आए हैं जिनमें ये ऑर्डर है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलेस्क एंड लॉरेन। अब यहाँ पर जो है एलेस्क एंड लॉरेन में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, जो नए मास्टर हैं वो कम्स टुमारो मीन्स कल आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज का जो ये लेसन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरा लास्ट लेक्चर है और मैं इसको लास्ट पढ़ा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं बहुत अटेंटिव हूँ। वॉट आई टंडरश क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, ये जब वो बोल रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ शब्द हैं कुछ शब्द नहीं हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। ओ द व्रेचेस दैट
वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट ऑल टाउन हॉल, यानी इन टाउन हॉल में बैठे हुए सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा ये लेसन जो है फ्रेंच लेसन, वो मेरा आज लास्ट लेसन है। इसी के साथ वो कुछ इमोशनल हो गए हैं, भावुक हो गए हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर। हम आगे का जो चैप्टर हो नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।